दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान के बाद डंकी का भी दुबई में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। दुबई शेख हमदान किंग खान की फिल्म डंकी को लेकर शाहरुख की जमकर तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनके जैसा कोई मूवी स्टार नहीं है। दुनिया भर में शाहरुख खान को 3 बिलियन से ज्यादा लोग जानते हैं, वही दुबई में फिल्म डंकी की हाइप जवान से भी ज्यादा देखने को मिल रही है। दुबई में डंकी के रिलीज का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में भी किंग खान की फिल्म डंकी का हाइप बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। डंकी का एक पोस्टर इतना बवाल मचा दिया तो फिल्म क्या करेगी, सोचिए। सलार के पास एक ही रास्ता है, भागो, क्योंकि डंकी वाला शेर शिकार करने निकल चुका है। सलार अगर डायनासोर है तो राजकुमार हिरानी और शाहरुख मिलकर एस्टेरॉइड है। जब भी गिरेगा डायनासोर खत्म हो जाएगा, और जिस डंकी को लोग हल्की फिल्म समझ रहे थे उसका ट्रेलर इनकी पूरी फिल्म पर भारी पड़ेगा। इस लेवल के डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, और ओवरसीज में तो अभी से लोग तैयार बैठे हैं कि कब फिल्म रिलीज होगी। लेकिन शाहरुख की फिल्म साउथ में नहीं चलती, इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदी और ओवरसीज का मिलाकर ही उसका 1000 करोड़ कर देता है। उसमें बढ़िया काम किया था, लेकिन उस समय शाहरुख का समय खराब था, और अब सब कुछ बदल चुका है। एक साल में लगातार 1000 करोड़ करना कोई आसान काम नहीं है। अब डंकी के लिए सलार मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन ज्यादा दिन उसके आगे टिके रहना किसी के हाथ में नहीं है। कि विदेशों में ये फिल्म एक दिन पहले रिलीज होगी और भारत में 22 दिसंबर को ही रिलीज होगी, वही अब डंकी का इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि वो राजू हिरानी के डायरेक्शन में बन रही हैं और ग्लोबल स्टार शाहरुख साथ आ रहे। अब डंकी सलार से एक दिन पहले आएगी, इसका फायदा क्या होगा? तो दोस्तों, ओवरसीज में इसका फायदा ये होगा कि डंकी को सलार से एक दिन ज्यादा मिलेगा और ऑडियंस को अपनी तरफ करने का पहला अवसर मिलेगा। तो फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट 22 दिसंबर 2023 रखी गई है। ताकि आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।